बीजेपी नेता भारत सिंह गुर्जर बोले, मुझे गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है, मेरा लक्ष्य कमल का फूल है, हम 30,000 वोटों से उपचुनाव जीतेंगे। विजयपुर में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जनपद पंचायत सदस्य पति और बीजेपी के कद्दावर नेता भारत सिंह गुर्जर ने चुनावी चर्चा के दौरान बताया कि इस बार चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से भी अपील की है कि इस बार किसी प्रत्याशी को ना देखते हुए सिर्फ एक मंत्री को देखे और क्षेत्र के विकास पर अपना अमूल्य वोट दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बहुत बड़ा दल हो चुका है, इसमें गुटबाजी पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ कमल के निशान पर ध्यान दे, क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे साथ उपचुनाव की चर्चा करने के लिए जुड़े हैं भारत सिंह गुर्जर जी, जो कि किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं है। गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और कराल जनपद में सदस्य हैं। भारत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज दशहरे के पावन पर्व पर। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं दशहरे के शुभ अवसर पर। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज विजयदशमी के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज विजयदशमी के अवसर पर कराल में हमारे माननीय मंत्री जी भी पधार रहे हैं, तो उनकी ओर से भी मैं क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत सिंह जी, उपचुनाव लगभग अब दहलीज पर आ गया है विजयपुर विधानसभा की, पर क्या रुख रहेगा? आपके समाज का भी बहुत बड़ा इसमें एक योगदान रहता है चुनाव में, किस तरफ है इस बार माहौल? देखो, हम लोग क्या है, बीजेपी के पहले से ही हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे तो वो उपचुनाव हो, चाहे वो एक साधारण चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर समाज के वोट पहले भी लोकसभा में भी हमने बहुत दमखम से वोट दिए थे और विधानसभा में भी हमने बीजेपी का सपोर्ट किया था। आज जो उपचुनाव है, तो उपचुनाव में हमारा 90-95% गुर्जर समाज और वैसे तो सभी समाजों का अधिकतर वोट बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने सभी क्षेत्रवासियों से, हमारी कई मीटिंगें भी हुई हैं, तो पार्टी का काम करेंगे और हमारी कई समस्याओं को लेकर आज हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमें एक मंत्री के रूप में और विकास के रूप में एक मंत्री मिला है, और वो भी वन मंत्री। तो हमारी कई समस्याएं ऐसी रहती हैं जो फॉरेस्ट से संबंधित हैं, तो वो समस्याओं का हमारा निराकरण आज ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी रामनिवास रावत जी को जो मंत्री बनाया है, तो हम लोगों को, हमारे समाज ओबीसी समाज के कई लोग जो पशुपालन करते हैं, खेती पशुपालन के ज़्यादातर आधारित लोग हैं, तो सभी को इससे हमें फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब पूर्णतः बीजेपी का सपोर्ट करेंगे दमखम के साथ में। भारत सिंह जी, जैसे कि आप कह रहे हैं आपका 95% समाज तो बीजेपी के साथ जा रहा है, लेकिन जो आपके कांग्रेस में विधायक हैं मौजूदा, वो भी क्षेत्र के दौरों पर आ रहे हैं, दिनेश गुर्जर जी हैं, साहब सिंह गुर्जर जी हैं, हो सकता है कि सचिन पायलट भी आए ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या उस समय ध्रुवीकरण नहीं होगा क्या वोटों का, उस समय लोग नहीं होंगे क्या चेंज? देखो क्या है, चाहे तो वैसे तो ये उपचुनाव है, उपचुनाव में सभी समाजों के नेता आते हैं और सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी नेताओं को बुलवाते हैं, जैसे कि गुर्जर समाज का नेता को बुलवाएंगे या कुशवा समाज के को या यादव समाज को, वो उनका काम, उनसे कोई ज़्यादा ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपनी जगह पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्रीय जो आम लोगों को किससे फ़ायदा है, नफा नुकसान है, वो हमको देखा जाएगा। रही बात उनकी, उनके आने से ऐसा कोई ज़्यादा कोई वो अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो उपचुनाव है, वो तो उनके काम आ रहे हैं, उनसे हमें क्या लेना देना है। लेकिन हमारी लोकलिटी और लोकल की जो समस्या है, हमारे क्षेत्र का एक विकास का मुद्दा है। आज हम एक विधायक को वोट नहीं दे रहे, हम एक मंत्री बन मंत्री को वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को और हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े फायदे की चीज़ है। और हमें कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे क्षेत्र का विकास कराना है, हमारा विकास रुकवाना नहीं है, इसलिए हम क्या है बीजेपी को ही वोट देंगे, कोई जाता है। सुनिश्चित है बीजेपी की सभी 95% लोग समाज के वोट दे रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पार्टी को इतनी करना पड़ रहा है कि अभी कलेक्टर के ट्रांसफर को भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि उपचुनाव के चलते अच्छे कलेक्टर हटा दिए, जीतू पटवारी भी एक्सपर्ट ट्वीट कर रहे हैं प्रदेश में राजनीति गरमाई है, क्या जरूरत है फिर कलेक्टर हटवाने की? देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहली बार नहीं बनी, 20 साल से हम लगातार बीजेपी की सरकार है, तो प्रशासन कलेक्टर और जो पूरा सरकार के ही बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश शासन के ही हैं, वो भी कलेक्टर हमारे ही थे, उनने भी अच्छा काम किया, और जो नए कलेक्टर आए हैं वो भी हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। और कलेक्टर हटाना करना ये तो क्या है, एक अधिकारियों का आना जाना बना रहता है, ट्रांसफर तो एक आम बात है, तो बीजेपी की सरकार है तो जो हमारा अधिकारी जो बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में ही है।
जीतू पटवारी कह गए थे कि कलेक्टर भी चुनाव लड़ेगा, एसपी भी लड़ेगा, पुलिस वाले बटन दबाएंगे, ये ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन प्रशासन का काम करेगा। प्रशासन वोट थोड़ी डलवाएगा, कलेक्टर एसपी वोट थोड़ी डलवाएंगे। जनता स्वतंत्र है, आम जनता वोट डालेगी निडर होकर, और वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्य ऐसे कार्य हैं जिससे हम हमारे क्षेत्र की और पूरे देश में प्रदेश में जनता प्रभावित है। राम मंदिर को लेके देख लो आप, 370 को लेके देख लीजिए आप, क्षेत्र का विकास लेके देख लीजिए, आवासें लेके देख लीजिए, रोडें देखो आप, पानी देखो आप, बिजली देखो, मेडिकल, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ विकास हुआ है। इसलिए सरकार को वोट, विकास को वोट जनता करेगी, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि वो जो जीतू पटवारी जी जो बोल रहे हैं तो वो निराधार, उनका उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, और ये तो कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए क्या कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट करेगी। आप आने वाले कल में आप देख लेना, हमारी जीत होगी, विजय भाजपा और जय भाजपा रहेगी। विधानसभा आदिवासी बाहुल्यता की सीट मानी जाती है, और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जो अभी डिक्लेयर होने वाले हैं वो मुकेश मल्होत्रा ही होने वाले हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। क्या मानते हो कि निर्दलीय रहकर भी वो चावले सर वोट लाए थे, तो अब उनको कांग्रेस के दिग्गजों का साथ है, पूरी कांग्रेस लॉबी लगी हुई है, तो क्या नुकसान नहीं होगा? क्या इतना आसान समझ रहे हो आप इस बार चुनाव? देखो क्या है, किसी भी पार्टी में कोई एक समाज से कोई विधायक नहीं बनता है, एक समाज से कोई जनपद सदस्य जिला नहीं बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सभी समाजों का वोट मिलेगा। हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी में 3 बार जो विधायक लड़े थे विधानसभा, सीताराम आदिवासी, पूर्व में, अब जो उनको मंत्री बना दिया है, अब प्रेजेंट में राज्यमंत्री का जो दर्जा दिया है, उससे आदिवासी वोट भी मिलेगा बीजेपी को। कौन कह रहा बीजेपी को वोट आदिवासी वोट बीजेपी को मिलेगा, सभी समाजों का वोट मिलेगा, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। ये जो आप मंत्री की बात कर रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, यही तो एक मुद्दा बन गया है कि चुनाव के एंड वक्त तो राज्य मंत्री बना रहे हैं, आदिवासियों को पहले क्यों नहीं बनाया था? इससे पहले मुकेश मल्होत्रा जी को मंत्री बनाया, उस समय कब क्यों बनाया उनको? पहले भी मंत्री का दर्जा दिया था सरकार ने, तो उस समय भी तो दिया था भारतीय जनता पार्टी, तब का उपचुनाव था क्या? उससे पहले तो सनपाल राज उनका मतलब अध्यक्ष हैं उसका बनाए मंत्री पद का दर्जा दिया है, तो उस समय का उपचुनाव था। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो काम करता है अच्छा, सच्चे दिल का जो कार्यकर्ता होता है उसको मौका दिया जाता है इस पार्टी में। इसमें कोई मौका देख के और समय देख के ऐसा काम नहीं करती। इसमें जो अच्छा काम करता है कार्यकर्ता के रूप में, जैसे सीताराम आदिवासी ने लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, विधानसभा सब में अच्छा काम किया, इसलिए उनको मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा दिया, क्या बुराई की बात है? उससे समाज के वोटों में बहुत अंतर पड़ेगा, आदिवासी वोट मिलेगा इनको, ऐसा थोड़ी है। अभी एक और आपकी पूर्व विधायक नाराज नजर आ रहे हैं, बाबूलाल मेवरा जी, सीएम की सभा में भी नहीं गए थे बीरपुर वाली में, उनकी नाराजगी हावी नहीं हो जाएगी क्या इस पर? ये बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, छोटा मोटा दल है नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दल है, इसमें छोटी मोटी मनमुटाव, छोटे मोटे अनबन होते रहते हैं, सब ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन बाद आपको देखेंगे मेवरा जी भी हमारा प्रचार करते देखेंगे, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। सब भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने रिटायरमेंट ही पर उनको टिकट दिया और चुनाव लड़ाया है, तो पार्टी का बहुत बड़ा एहसान है, और उनको ऐसा नहीं कर, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बगावत नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा विश्वास और भरोसा है हमें कि वो बीजेपी का ही काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। मेवरा जी, अभी सीएम साहब आए थे, विधानसभा अध्यक्ष आए थे, बीरपुर में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, जिसकी नाराजगी भी एक तरह से देखी गई थी, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें हुई थी कि कलेक्टर साहब से भी नाराज दिखे थे सीएम साहब, ऐसा था क्या कुछ? ऐसा कतई मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो बीरपुर रामसभा थी उस रामसभा में भी गया था, करीबन 7-8 हज़ार की जनसंख्या जनता थी वहाँ। रही बात ऐसे विकट काम में, यानी कि किसानी का काम चल रहा है, खेती किसानी में किसान व्यस्त है, इतनी व्यस्तता में भी लोग वहाँ इतना इकट्ठा हुए, वो कम बात नहीं है। अभी आपके जिला उपाध्यक्ष जो थे भाजपा किसान मोर्चा के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके समर्थकों ने भी छोड़ दी, लगभग 40-50 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अब लोग, और पार्टी छोड़ने का कारण बता रहे हैं गुटबाजी, स्थानीय नेताओं की गुटबाजी, कितना असर डालेगी ये चुनाव में? देखो क्या है, वैसे तो मैं गुटबाजी को नहीं देखता हूँ, मुझे दिखता है फूल, भारतीय जनता पार्टी का हमको फूल दिखता है, हमें कोई गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है। रही बात उसकी कि जो बड़ा दल है, इसमें छोटे मोटे खाद अगर कोई अगर कोई नेता अगर जाता है तो इससे कोई बड़ा भारी अंतर पड़ने वाला नहीं है। हमारे 10 लोग अगर चले भी गए या 5 लोग चले भी गए,
उससे हमें उसके चौगुनी अठगुनी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के आते हैं, इसलिए हमें कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उठ गुटबाजियों को हम मानते नहीं हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें मात्र भारतीय जनता पार्टी का फूल निशान दिखता है और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट